डॉक्टर सुनीलम, मैं आपके पास आऊंगा। आपने इतने आंदोलन देखे हैं, इतने आंदोलन करे हैं। ये पुष्पेन जी को चेहरा मैंने गलती से बीच में लाया, चेहरा मेरा होना चाहिए, क्योंकि पुष्पेन जी बेचारे आज मुझे इनका दर्द समझ में आ रहा है कि आज इन्होंने इतनी मेहनत करी। मैं तो दिल्ली गया था डॉक्टर साहब, जिस दिन संसद का उद्घाटन था उस दिन मैं पुष्पेन जी को ढूंढता फिर रहा था। पुष्पेन जी निकले, पुलिस ने पकड़ लिया, फिर बेचारे घर गए, फिर पैंट शर्ट पकड़ के आए, फिर मेट्रो में बैठ के आए, किसी तरह सतपाल मलिक के घर पहुंचे। और ये दिन भर पसीने से लथपथ, मतलब एक एक आदमी को सूचना देना, इकट्ठा करना। लेकिन जब रात के 11 बजे अमित शाह जी ने बढ़िया पकौड़े खिलाए, तो नाम भी नहीं लिया किसी ने, खिलाड़ी ने, कि पुष्पेन जी कहाँ है। ये जो गुपचुप रात के 11 बजे खिलाड़ियों ने मीटिंग करी, क्या विश्वास तोड़ा किसान नेताओं पर खिलाड़ियों ने? अमित शाह ने ऐसा क्या कहा होगा कि ये सारे खिलाड़ी चुपचाप अमित शाह के घर चले गए और उन्हें हवा नहीं लगने दी किसी को भी? और बताया भी किसको? रजत शर्मा वाले चैनल को, चैनल भी अपने घर वाला, तो केवल अपने चैनल की ब्रांडिंग कर ली कि देखो हमने ब्रेकिंग न्यूज दी। अमित शाह क्या सोचते हैं ये भी रजत शर्मा को पता रहता है, तो कोई बड़ी बात तो थी नहीं। हम तो सोच रहे थे कि वो बता भी देंगे, खुलासा भी कर देंगे, खिलाड़ियों ने खाना क्या खाया, पकौड़ी क्या खाई और क्या क्या शर्ती हुई, क्या डील हुई। डॉक्टर सुनील, अब आपने बड़े षड्यंत्र देखे हैं, बड़ी राजनीतिक लड़ाइयाँ देखी हैं, राजनीतिक समझौते देखे हैं, लेकिन समझौते के बीच में आप तो उनका समर्थन देने गए थे। आज खिलाड़ियों ने अगर अमित शाह के घर के बाहर खड़े होकर ट्वीट किया होता रात को 11 बजे, जब हर सूचना दे रहे थे, बताया होता कि हम गृह मंत्री से मिलकर आए हैं, हमने ये बात कही है, देश को जानने का हक था। ये तो खिलाड़ी अपना भरोसा खुद खो रहे हैं। अगर रात को बंद कमरे में मीटिंग करेंगे, और वो भी देखिए, मैं तो बड़ा बुरा ना मानिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, अमित शाह ने कह दिया और रजत शर्मा से इस बात को लीक कर दो, ये मुझसे मिलने आए थे, एक झटके से आपके आंदोलन में उन्होंने दरार डाल दी। तो डॉक्टर सुनीलम, ये जो दरारें डाली जाती हैं, ये तो खूब अच्छी तरह आप जानते हैं कि किस तरह डाली जाती हैं, किस तरह हटाई जाती हैं। खेल क्या है और क्या लगेगा आपको? डॉक्टर सुनीलम, सुन पा रहे हैं आप मेरे को? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। मेरा कहना आपसे ये है कि आंदोलनों के अंदर इस तरीके की अनुभव लगातार आते रहते हैं। जो 380 दिन का किसान आंदोलन चला, उस आंदोलन के अंदर भी अमित शाह यही कोशिश करते रहे, बैक चैनल से लोगों से मिलने की कोशिश करते रहे, तमाम सारे मैनिपुलेशन करने का वो काम करते रहे। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर चाहे व्यक्तिगत तौर पे कोई भी क्या कमिटमेंट करके आया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, फैसला तो सामूहिक तौर पर जो लिया गया वही किसानों ने मान्य करने का काम किया। एक बात एकदम साफ है, जन आंदोलनों का जो एक संस्कृति है उसके अंदर एकदम साफ होता है कि जो जिसका आंदोलन है, मतलब ये महिला पहलवानों का आंदोलन था, तो महिला पहलवानों को ही तय करना है कि आगे इस लड़ाई को कहां तक ले जाना है, कैसे ले जाना है। लेकिन महिला पहलवान भी बहुत स्पष्ट कर चुकी है कि बिना गिरफ्तारी के कुछ भी बीच का रास्ता निकल सकता नहीं है। और हम सब जो लोग हैं संयुक्त किसान मोर्चा के लोग, उन्होंने 7 तारीख को भी आगे की रणनीति बनाने के लिए अपनी मीटिंग बुलाई हुई है दिल्ली के अंदर, और उसी तरीके से 8 तारीख को महिला पहलवानों की देश भर के युवा संगठन, महिला संगठन, तमाम सारे जन संगठनों को साथ में आगे की रणनीति बनाने की हम लोगों ने जो है वो बनाने का काम किया हुआ है, मीटिंग बुलाई हुई है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। महिला पहलवानों का जो भी बातचीत है, मैं पक्का ये उम्मीद करता हूं कि वो उसका खुलासा करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बताने का काम वो करेंगी, और इसमें कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कहने का कुछ है नहीं, गिरफ्तारी होगी एकदम साफ दिख जाएगी। मैंने आपके चैनल के ऊपर संजय जी कहा था, मुझको एकदम साफ तौर पे दिख रहा है, देखिए इसमें गिरफ्तारी ना होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जिस तरीके से अयोध्या की रैली को रद्द करने का काम किया गया, जिस तरीके से इंडियन एक्सप्रेस ने सभी FIR को छापा, जिस तरीके से रामदेव बाबा जो है उसके खिलाफ में बयान दे रहे थे, जिस तरीके से हरियाणा के अंदर तमाम सारे भाजपा के नेताओं ने भी इसके खिलाफ में बयान देने का काम किया, तो उससे एकदम साफ था कि बहुत जो प्रेशर बन रहा है, विशेष तौर पे जो खाप पंचायतों का जो प्रेशर है उसको झेलने की स्थिति में केंद्र सरकार नहीं है, और खापों की जो हैसियत है और ताकत है उसको केंद्र सरकार अच्छे तरीके से जानती है। उन्हें मालूम है कि एक तरफ अगर केंद्र सरकार हो और एक तरफ अगर सब खाप खड़े हैं और किसान संगठन खड़े हैं महिला पहलवानों के साथ में, तो केंद्र सरकार को अपने कदम पीछे खींचने ही पड़ेंगे, और यहां पर कदम पीछे खींचने का मतलब है गिरफ्तारी करनी ही पड़ेगी।
गिरफ्तारी का मतलब ये नहीं है कि कोई तुरंत कोई सजा हो जाएगी, आपको मालूम है गिरफ्तारी के अंदर गवाही होगी, तमाम सारी बातें होंगी, उन गवाहों के अंदर अगर गवाहियां जो है प्रॉपरली नहीं हो पाएंगी जिसे वो मैनिपुलेट करेंगे, आपने देखा क्या पूरा लखीमपुर के अंदर जो कुछ हुआ, तो उन्होंने कोशिश किया और वहां पर तो आपको मालूम है पूरा केंद्र सरकार का संरक्षण था और उसका बाप जो है आशीष इसका वो तो पूरा गृह राज्य मंत्री आज भी बना हुआ है, इसके बाद भी जो है गिरफ्तारी को रोक नहीं पाए और जो है किसानों को जो गिरफ्तार कर रखा था उसके बाद में उनको छोड़ना भी पड़ा। तो दबाव का लोकतंत्र के अंदर बहुत बड़ा मतलब होता है और अब ये बात एकदम साफ हो गई है। कर्नाटक के अंदर जो नतीजे आए हैं, मैं बिल्कुल आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर केंद्र सरकार इस मामले को लंबा खींचेगी और जिस तरीके से अब राजस्थान के अंदर सतपाल मलिक पहुंच गए और उनका बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना था, मेरी अभी उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने एकदम साफ तौर पे कहा कि मैंने महिला पहलवानों को कहा है कि भाई खाप तो तुम्हारे घर की है, मतलब तुम्हारे परिवार के हैं, रिश्तेदार के हैं, तुम्हारे इलाके के लोग हैं, खाप की तो तुम लोग बेटियां हो तो साथ देंगे, अब तुम्हारे को जो है अपने कदम बढ़ाने चाहिए राजस्थान की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ, छत्तीसगढ़ की तरफ, जहां जहां चुनाव हो रहा है, और एक बार ये पूरा कार्यक्रम जब शुरू हो जाएगा तो उसके बाद में जब ये महिला पहलवानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी और वहां पे किसानों के सम्मेलन होंगे जिसमें वो जाएंगी, तो फिर झक मार करके चुनाव के पहले पहले गिरफ्तारी करनी ही पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी बात कर ली है, कई बार ऐसा होता है हम लोगों की जिंदगी के अंदर जहां पर हमने सैकड़ों बार गिरफ्तार किया गया, 440 मुकदमे सरकारों ने ठोके, बहुत बार ऐसा हुआ कि निगोशिएशन के अंदर जो है हम नहीं गए जबकि उस आंदोलन का नेतृत्व तो हम कर रहे थे, हमने उन लोगों को भेजा जो लोग की वहां के लोकल लीडर्स थे। पूरा नर्मदा बचाओ आंदोलन 37 साल तक चला और तमाम सारी बार ऐसी बात आया कि मेधा पाठ करने की स्थानीय लोगों ने जाकर के बातचीत करने का काम किया, तो उनकी रणनीति हो सकती है कि जो आंदोलनकारियों की गोलबंदी है उसको वो तोड़ने का काम करें, छिनमिन करने का काम करें, लेकिन मुझे ये पक्का भरोसा है महिला पहलवान जो है उन्होंने जो जीवटता दिखाई है, जो संकल्प दिखाया है और जिस तरीके का बृजभूषण सिंह को जेल के अंदर ही वो देखना चाहती हैं उससे कम के ऊपर किसी भी बात के ऊपर वो तैयार नहीं है, तो 100% नतीजा यही आएगा, कोई अंडरहैंड डीलिंग का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। मुझे लगता है कि जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं वो एक तरीके से महिला पहलवानों के प्रति अविश्वास पैदा करने का काम कर रहे हैं और ये वाली बात तो एकदम साफ है कि बुला ले गए और बुला करके धमकाने का काम कोई हो जाएगा कमरे के अंदर, उसके अंदर ये महिलाएं जो हैं महिला पहलवानें आने वाली नहीं है। इन्होंने जो अपना परफॉर्मेंस दिखाया है, मैं ये भी एक आपसे कहना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ आपको, आप याद करिए खेल मंत्री से भी इनकी बात हुई थी, आप याद करिए कि पहले इनकी बात अमित शाह से भी हुई थी, तो पहली बार कोई बातचीत नहीं हुई है। ये लोग तो सरकार के दरवाजा खटखटाते रहे हैं और खटखटाने में कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र है, चुनी हुई सरकार है और जिन लोगों को निर्णय करना है हम उनके पास ही जाएंगे, ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का मामला नहीं है। गृह मंत्रालय जो है पूरे देश का है, हर नागरिक जो है उसको अगर कोई ग्रीवियांसेस है तो वो गृह मंत्री से मिलेगा, प्रधानमंत्री से मिलेगा, उन्हीं को लिखने पढ़ने का काम करेगा, उनसे न्याय मांगने का काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि कोई संदेह के घेरे में लाने की कोई जरूरत नहीं है। अलग से कुछ हो गया, रजत शर्मा ने क्या कर लिया, रजत शर्मा अपनी दुकान चलाते रहेंगे लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है महिला पहलवानों के तौर तरीके के ऊपर, इस आंदोलन के ऊपर, और मुझे नहीं लगता है कि गिरफ्तारी से कम कोई भी स्तर के ऊपर कोई भी बातचीत या समझौता हो सकता है। खाप पंचायतों ने बहुत बड़ी ताकत दी है, देश में कोई खड़ा हो ना हो लेकिन पूरा किसान संगठन, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा खड़ा था, खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा और इसी बात का कॉन्फिडेंस है महिला पहलवानों को, इसीलिए वो इतना दम भरने का काम कर रही हैं और इसीलिए बढ़ चढ़ करके वो इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रही हैं। जी, बात पुष्पन जी ने एकदम साफ कही है कि हम पहलवानों के साथ में खड़े हैं, उन्हें न्याय दिलाने के लिए खड़े होंगे हम हैं और जिस तरीके से वो संतुष्ट होंगे कि उन्हें न्याय मिला, जिसके अंदर मुख्य बात बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी है। और मैं ये बात बार कहता रहा हूं कि एक बार जब गिरफ्तारी होगी तो अभी तो 10 FIR हैं, कम से कम और 20 केस होंगे और आसाराम बापू टाइप जो है जेल से निकलना बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। और मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं संजय जी, मुझको तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि योगी बाबा ये भी इनसे जो है मुक्ति पाना चाहते हैं और इसीलिए ऐसी हवा इन्होंने पूरी बना के रखी है कि इस आदमी को किसी लायक ना छोड़ो और जब ये अंदर जाए तो ये निकल ही ना पाए। इसके अंदर मेरे को बाबा की पॉलिटिक्स भी समझ में आ रही है क्योंकि मामला
एक तरीके से लीडरशिप का मामला भी है, उत्तर प्रदेश की लीडरशिप का मामला है। आपको मालूम है राजनीति में कोई किसी को बर्दाश्त करने का काम नहीं करता है। एक जो है जिसे कहते हैं कि एक मैदान में दो तलवार नहीं रह सकती है, तो इसके अंदर एक एंगल ये भी है जिसके बारे में कुछ खास लोगों ने मुझे भी बताने का काम किया है। तो इस मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारी बातें हैं, अंततः ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल के अंदर ही जाना है, उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। चाहे महिला पहलवानों से मिल लें, चाहे संयुक्त किसान मोर्चे के कोई नेताओं से मिल लें, चाहे कुछ भी कर लें, जेल से बचना संभव नहीं है। आपका इशारा ये है कि एक उत्तर प्रदेश में एक ही ठाकुर रहेगा, या योगी रहेंगे या ब्रजभूषण रहेंगे, ये यही जो इशारा है फिर आपका। हाँ एक नहीं, नहीं, करना खुले खुले, खुले कहना है, इशारा नहीं है, खुले खुले कहना है जी पुष्पन जी, और कुछ सूचनाओं के आधार पर कहना है। मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि संजय शर्मा जी बहुत ही जो है होशियार और चतुर पत्रकार हैं, लेकिन ये चार आदमी यहाँ तपे हुए हैं, आंदोलनों के निकले हुए हैं, ये कोई फंसने वाला नहीं है, कोई हल्का बयान नहीं देगा। उल्टे अपनी हमने इस तरह की रणनीति बता रहे हैं आपको कि हम उल्टे इनमें फूट डाल देंगे। अभी सुनील जी ने क्या कहा, योगी को और ब्रजभूषण को बढ़ा दिया एक सेंटेंस में इन्होंने। और अब मैं अगले सेंटेंस में कहता हूं कि भाई योगी की और अमित शाह की भी भिड़ंत चल रही है, जिसके बारे में आपके चैनल पे भी बार बार स्टोरी की जाती है, तो भिड़ंत तो इनमें चल रही है। आप तो खुद ही इसके इस स्टोरी को ब्रेक करने वाले तो आप ही है संजय शर्मा जी, आपने तो बहुत डिटेल्स में इसके अंदर लोगों को बताने का काम किया है, तो हमारे पास भी कुछ जानकारी, हम लोग दूर है लेकिन थोड़ी बहुत आपकी तुलना में, मतलब 5-1%, लेकिन कुछ तो है मामला। सुनीलम जी, एक साल से हम लोग परचर्चा में हैं, हम लोगों ने सैकड़ों डिबेट करी है, कभी आप किसी दूसरे के उसमें नहीं भूते। आज कुछ मामला गड़बड़ है कि आप आज हर एक के बीच में बोल रहे थे, इसका मतलब कहीं कुछ बड़ा बड़ा कुछ हो गया है, वरना डॉक्टर सुनीलम। नहीं नहीं, बड़ा कुछ नहीं हो गया। देखिए मैं तो लगातार कॉन्फिडेंट हूं कि गिरफ्तारी से कम कुछ होगा ही नहीं, और जिस तरीके का मजबूती का स्टैंड पहलवानों ने, महिला पहलवानों ने लिया है, इससे कम के ऊपर कोई बातचीत हो ही नहीं सकती। मैं आपको बार बार किसान आंदोलन के दौरान जो हो रहा था मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोगों पे आरोप लग रहा था कि वो बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की इनफॉर्मल बातचीत भी हुई, लेकिन उससे हमारे आंदोलन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जो निर्णय हुआ वो सामूहिक हुआ। मेरा ये कहना है जो चौहान साहब ने यहाँ पर कहा है वही आपके सामने होगा, जो भी निर्णय होगा वो महिला पहलवान या पहलवान सब लोगों के बीच में ही फैसला करेंगे, वहां पर 1-to-1 में कोई फैसला होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इस बात का कॉन्फिडेंस किसान संघर्ष जो करने वाले जो किसान संगठन है उनको भी है और खाप पंचायतों को भी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल श्री जल्दी, ये तो हो गई आज की पर चर्चा की बात। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, 100, 200, 300 डिबेट करी है मैंने आपके साथ, पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव में आप मेरे साथ रहे, आज तक कभी आप नहीं बोले बीच में। आज ऐसा क्या था कि सुनील जी इतने परेशान हो रहे थे, बार बार कोई जना बोल ना दे इसलिए बीच में बोले थे? मैं केवल ये जानना चाह रहा हूँ, आपकी पर्सनैलिटी में कभी मैंने देखा नहीं, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। इसका मतलब रात 11 बजे की मीटिंग कुछ ऐसा कर गई जो सुनील जी जैसा गंभीर आदमी तो एक शब्द कभी नहीं बोलता किसी के बीच में, आज इस परचर्चा में पहली बार 25 बार बोले आप। मैं केवल इस चीज को जानना चाहता हूँ, आपको क्या हो गया आज? कुछ नहीं हो गया जी, ये तो मतलब क्योंकि यहाँ पर बहुत फ्रीली डिबेट हो रही है और सब जो यहाँ पर साथी हैं वो हम सब लोग एक साथ काम करने वाले लोग हैं किसान संगठन के अंदर, और इतना लंबा एक साथ काम किया है तो इसलिए ये लिबर्टी ले ली। इसमें कुछ अनोखा कुछ नहीं है, हमारा 100% कॉन्फिडेंस महिला पहलवानों में और उनके अंदर है, और ये फैसला सामूहिक तौर पर होगा, मिलकर के होगा, ये बात भी मैं बिल्कुल पूरे आत्मविश्वास के साथ में, और किसानों का जो महिला पहलवानों पे विश्वास है, किसान संगठनों का और उनका जो खाप पंचायतों पे और किसान संगठनों पे विश्वास है, उसके आधार पर, म्यूचुअल ट्रस्ट के आधार पर ये बात मैं दावे के साथ में कह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, और मैं मेरा मकसद भी यही था कि पारदर्शी बातें हों, और जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था वो मैं इसलिए पूछ रहा था कि सवाल सोशल मीडिया पे लगातार तैर रहे हैं। एक आंदोलन है, एक आंदोलन तभी चलता है जब सारी चीज़ें पारदर्शी हों, और ख़ास तौर से ट्रोल आर्मी जो लगी रहती है वो खिलाड़ियों पर सवाल उठा रही थी, इसीलिए मैं आपसे सवाल कर रहा था कि कम से कम चीज़ें साफ तौर पर जनता के बीच पहुँचे। और मुझे अच्छी बात है कि आप लोगों ने कहा कि जो फैसला होगा
सामूहिकता के आधार पे होगा, खिलाड़ियों के संग बैठ के बातचीत होगी और हम भी यकीन करेंगे जो न्याय होगा बहुत जल्दी होगा और सबको मिलेगा।